आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में 1947 से लेकर अभी तक सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं 1947 से लेकर अब तक। लेकिन क्या हमें असली आजादी मिल पाई? शिक्षा की आजादी हमें मिल पाई? क्या हम पूरी तरह जो स्वस्थता की आजादी है वो प्राप्त कर पाए? क्या हम किसानों की आजादी को प्राप्त कर पाए? क्या हम यूथ, जो मेन यूथ, यूथ के लिए रोजगार का इंतजाम कर पा रहे? एक अपराधी होता है, कोई भी क्राइम करता है, क्रिमिनल होता है, तो जैसे ही वो क्राइम करता है, जज साहब उसको जैसी जेल भेजते हैं, तो जेल में दो जोड़ी कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा उसके लिए निर्धारित हो जाता है। आप लोग सहमत है इस बात से? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन पढ़ लिखने के बाद एक बच्चा बारहवीं करके निकलता है, या इंटर करके निकलता है, या बीसीए करके निकलता है, या पीएचडी करके निकलता है, तो क्या उसके लिए नौकरी का प्रबंध आरक्षित होता है? हाँ या ना? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं होता। क्या कारण है? मतलब देश की सरकारें अपराधियों की संरक्षक हैं, लेकिन आम आदमी की संरक्षक नहीं है, एक साधारण व्यक्ति की संरक्षक नहीं है। इस बात से यह साबित होता है कि नहीं, प्लीज बताएं, हाँ या ना? होता है। तो दोस्तों, हम जो यहां पर लोग खड़े हैं, एक ज्योति जगाने के लिए आए हैं। महेश जी, योगी जी अपनी बात रखेंगे, मैं केवल आपको बता देता हूं हम करने क्या जा रहे हैं। भारतीय किसान पार्टी, किसान पार्टी ऑफ इंडिया किसानों की पार्टी है, और हम जितने भी लोग हैं सब किसानों के बच्चे हैं। और आज भी देश में 70% जनता खेती पर आधारित है, और परमपिता परमेश्वर की भारत पर, संसार में सबसे ज्यादा कृपा है। यहां पर चार मौसम है। अमेरिका में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहां दो मौसम है, कहीं कहीं तो एक ही मौसम है। तो हमारे यहां चार मौसम है। हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमीर विरासत है हमारे पास, लेकिन हमें सबसे ज्यादा गरीब बना रखा है। अमेरिका में एक आईफोन खरीदने के लिए $1,500 देने पड़ते हैं। उनकी करेंसी है डॉलर और हमारी करेंसी है एक रुपया, और हमें उस आईफोन को खरीदने के लिए 1,500,000 रुपए देने पड़ते हैं। अमीर कौन हुआ, हम या वो? गरीब कौन हुए, वो या हम? हमारे डॉलर की कीमत 1947 में डॉलर और रुपए की बराबर थी, आज हमारी कीमत 76% 72% नीचे जा चुकी है। यानी कि मान लीजिए अगर हमारे पास 1,00,000 रुपया था तो केवल 26,000 रुपए बचे हैं, ये 71,000 रुपए हमारे कौन खा गया? हमारे देश की इकोनॉमी 77% ऊपर जाती है तो 26% नीचे जाती है, कौन कर रहा है? क्या कारण है इसका? ये रुक क्यों नहीं पाया आज तक? बहुत सारे मंत्री आए, बहुत सारे वित्त मंत्री आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, सब बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, बहुत मोटा मोटा पैसा लेते हैं, लेकिन वो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाए? क्या कारण है? क्या वो चाहते ही नहीं? नहीं चाहते। इसको रोकने के लिए हमारे पास सभी प्लान है। हम केवल 2-3 प्लान पर बात करेंगे, बाकी उसके बाद अगर किसी को कोई बात जाननी होगी तो वो हमारे से जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े, हमारी वेबसाइट से जुड़े, हम सभी चीज़ों की समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हर बेरोजगार को 18,000 रुपया मिले ही मिले, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो, 18,000 रुपया उसको मिल जाए हर महीने, वो 6 घंटे काम करे सरकार के लिए या संस्था के लिए, उसको 18,000 रुपया मिलेगा ही। और इसमें जो लोग ये कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, एक शब्द यूज कर रहा हूं, तो देश की वेश्याएं भी तो किसी की बेटियां हैं, उनके लिए क्यों नहीं हुआ 100 साल में आज तक कुछ? क्यों नहीं हुआ उनके लिए आज तक कुछ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नकली नाटक, क्यों नहीं हुआ आज तक उनके लिए कुछ? 8 फुट की कोठरी में 15-15 लड़कियां किस प्रकार रह रही हैं, क्यों नहीं उनको आज तक कुछ किया गया? माफी चाहता हूं, मुझे माफ करिएगा, मैं भावुक हो गया हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्या किया? बहुत कह रहे हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नकली नाटक, सभी नकली नाटक। 1947 से लेकर अब तक हम नकली नाटक देखते आए हैं,
हम इस नकली नाटक का तोड़ देना चाहते हैं।